नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अर्पणा। स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, इस चैनल में हम लोग बात करते हैं कि किस तरह से होम्योपैथी की दवाइयां आप लोगों को अलग अलग बीमारियों में मदद कर सकती है। और दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे हाइपोक्सिया या ब्रेथलेसनेस के बारे में, यानी कि सांस लेने में अगर दिक्कत या कठिनाई हो तो उसके लिए हमारी होम्योपैथी की कौन सी दवाइयाँ हैं जो मददगार हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने कोशिश करी है कि हमारी जो सबसे ज़्यादा यूज़फुल एंड मोस्ट इजीली अवेलेबल होम्योपैथी की दवाइयाँ हैं, इनके बारे में आप लोगों को बताऊं, जो सांस लेने में जब दिक्कत होती है, सांस फूलती है, ब्रेथलेस फील होता है, डिस्निया होता है, तो ऐसे तमाम कंडीशन में आपको मदद कर सकती है। तो दोस्तों, वीडियो को ज़रूर पूरा देखें, इसमें मैं आप लोगों को मेडिसिन के साथ साथ क्या उनकी इंडिकेशंस हैं इनके बारे में भी बताऊँगी। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को अवश्य प्रेस कर दें ताकि आप कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस नहीं करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, होम्योपैथी की दवाइयाँ जो आप लोगों को ब्रेथलेसनेस में या सांस जब फूले, सांस लेने में दिक्कत हो तो ऐसे कंडीशन में आपको मदद कर सकती है। दोस्तों, ये जो ब्रेथलेसनेस की प्रॉब्लम होती है, हाइपोक्सिया की प्रॉब्लम होती है, या सांस लेने में दिक्कत हो रही है, कठिनाई हो रही है, ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो रहा है, तो ये काफ़ी सारे कारणों के वजह से हो सकता है। अभी हम लोग देख रहे हैं पैंडेमिक में ये जो प्रॉब्लम हो रही है, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा एक परेशानी है, और जिसके लिए होम्योपैथी की जो दवाइयां हैं जो ऐसी कंडीशन में आपको मदद कर सकती है, तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों, हमारी होम्योपैथी की सबसे पहली जो मेडिसिन है वो है कार्बोवेज। अब ये जो कार्बोवेज दवा है, ये मैंने सबसे पहली बोला तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक पेशेंट को कार्बोवेज देना है। सबसे पहला मतलब कार्बोवेज से मैं शुरू कर रही हूँ, और कार्बोवेज की अगर इंडिकेशंस हो तो डेफिनेटली कार्बोवेज मेडिसिन आप पेशेंट को देंगे। तो दोस्तों, कार्बोवेज में हम देखते हैं कि पेशेंट में एक सांस लेने की ताकत नहीं होती है, तो इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट सिम्टम ये होता है कि पेशेंट को ये लगता है कि कोई सामने आके मुँह के सामने हवा करे, फैनिंग करे। वो किस लिए? क्योंकि फैनिंग करने के वजह से पेशेंट सांस ले रहा है या ले पा रहा है, यानी कि पेशेंट को सांस लेने की जो ताकत है, इनहेल करने की या एक्सहेल करने की जो ताकत है, वो ताकत नहीं है। इसी के वजह से फैनिंग फ्रॉम अ नियर डिस्टेंस या क्लोज डिस्टेंस से अगर फैनिंग करते हैं पेशेंट को, तो पेशेंट को बेटर फील होता है, ताकि वो फैन के माध्यम से जो हवा है वो उसको मिले और पेशेंट सांस ले पाए। तो आप समझ सकते हैं कि कैसी कंडीशन हो सकती है, तो जिसको हम कहते हैं कि कोमाटोज कंडीशन में जाने से पहले कार्बोवेज मेडिसिन पेशेंट को रिससिटेट कर सकता है, पेशेंट को उस कंडीशन से बाहर ला सकता है। हाथ पैर पेशेंट के ठंडे होते हैं, इंटरनली बर्निंग फील होती है, बट एक्सट्रीमिटीज़ में कोल्डनेस होता है, तो हाथ पैर ठंडे, ऐसा लगता है कि जो ब्लड सर्कुलेशन है वो ठीक से नहीं पहुँच रहा है, एक्सट्रीमिटीज़ तक नहीं पहुंच रहा है, ऑक्सीडेशन की प्रॉब्लम हो रही है, तो ऐसे में कार्बोवेज मेडिसिन को 30 पोटेंसी में या 200 पोटेंसी में रिपीटेड डोजेज दिया जाता है, जिससे ये जो एक कोमाटोज कंडीशन है, जिसमें हम क्या देखते हैं कि पेशेंट फैनिंग से बेटर होता है, कोई सामने से हवा करे तो सांस लेने में बेहतर होता है, तो ऐसे में हम इस मेडिसिन को यूज कर सकते हैं। दोस्तों, अगली हमारी मेडिसिन है एंटिमटार्ट। एंटिमटार्ट में हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा बलगम छाती में होता है, एक घड़घड़ाहट का एक महसूस होता है, आवाज़ आती है, पर पेशेंट में इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि खांस के बलगम बाहर निकाल सके। तो इतनी ज़्यादा वीकनेस है कि बलगम बाहर निकल नहीं रहा, बलगम तो है, एक घड़घड़ाहट की आवाज़ आ रही है, एक रैटलिंग की आवाज़ आ रही है, बट पेशेंट में हिम्मत नहीं है कि वो खांस के बलगम को निकाल सके, तो ऐसे में हम एंटिमटार्ट मेडिसिन हम दे सकते हैं। एंटिमटार्ट के जो पेशेंट होते हैं उनको अगर इरेक्टेशंस होती हैं, अगर ढकारे आती हैं, तो पेशेंट को थोड़ा सा
बेटर फील होता है, पेशेंट थोड़ा सा बेटर इसमें फील करता है। एंटीमटार्ट के जो पेशेंट होते हैं वो अगर राइट साइड करवट लेकर लेटते हैं तो उनको थोड़ा सा बेहतर होता है या उनकी जो रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स है वो बेहतर होती है। तो दोस्तों ऐसी अगर कंडीशन है, सांस लेने में दिक्कत है, डिस्निया है, छाती में बलगम भरा है पर निकाल नहीं पा रहे हैं, एंटीमटार्ट मेडिसिन दे सकते हैं। और एंटीमटार्ट को लोअर पोटेंसी में देंगे तो वो ज़्यादा बेहतर काम करेगी, तो आप 6 में दे सकते हैं, आप 12 में दे सकते हैं, और अगर वो भी नहीं मिलता है तो 30 के साथ भी जा सकते हैं। बट जितनी लोअर पोटेंसी होगी उतनी ज़्यादा बेटर ये आपको मदद कर सकती है। दोस्तों अगली हमारी मेडिसिन है इपिकैक। इपिकैक में हम देखते हैं एक कांस्टेंट नौजिया का एक सिम्टम बना रहता है, हमेशा एक उपकाई सी आती है, उल्टी करने को दिल करता है। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि जो रेस्पिरेटरी कंप्लेन है इनके साथ साथ हमको गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिम्टम्स भी देखने को मिल रहे हैं, गैस्ट्रिक ट्रबल्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो अगर किसी को सांस लेने में दिक्कत के साथ साथ एक नौजिया फील हो रहा है, उपकाई आ रही है और हमेशा उल्टी जैसा मन कर रहा है, तो ऐसे में दोस्तों इपिकैक हमारी बहुत अच्छी मेडिसिन है। इपिकैक में एक कंस्ट्रिक्शन का महसूस होता है, एक छाती में एक टाइटनेस की फीलिंग होती है पेशेंट को, तो ऐसे में हम इपिकैक को कंसिडर कर सकते हैं। इपिकैक अस्थमा के लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। इपिकैक के बारे में जब हम बात करते हैं तो नौजिया, उल्टी जैसा मन करे, बच्चों में भी अगर प्रॉब्लम है तो हम इपिकैक को कंसिडर कर सकते हैं। तो दोस्तों इपिकैक भी लोअर पोटेंसी में ज़्यादा बेहतर काम करेगी, आप 6 में दे सकते हैं, 12 में दे सकते हैं, अगर नहीं आपको मिल पाता है तो 30 में, बट प्रेफर करें लोअर पोटेंसीज, इसमें बेटर आपको मदद कर सकती है। दोस्तों जो हमारी अगली मेडिसिन है इस कंडीशन के लिए वो है वेनेडियम मेटालिकम। वेनेडियम मेटालिकम उन लोगों में ज़्यादा अच्छा काम करेगी जो दुबले पतले से हैं, जिनको अनीमिया है, उनको भूख वगैरह बिल्कुल भी नहीं लग रही है, बहुत कमज़ोर से हैं। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम है, लॉस ऑफ एपेटाइट है, अनीमिया वगैरह है, तो ऐसे में ऑक्सीजन कैटलिस्ट या ऑक्सीजन सैचुरेशन को बेहतर करने में और हाइपोक्सिया जैसे सिम्टम्स में आपको मदद कर सकती है वेनेडियम मेटालिकम। वेनेडियम मेटालिकम को आप 30 पोटेंसी में दे सकते हैं, 200 पोटेंसी में दे सकते हैं, और ये जो आपको सांस लेने में अगर दिक्कत हो रही है, ब्रेथलेसनेस हो रहा है या ऑक्सीजन सैचुरेशन आपका गिर रहा है, तो इसे इम्प्रूव करने में आपको मदद कर सकता है। दोस्तों अगली हमारी मेडिसिन है हाइड्रोसाइनिक एसिड। तो दोस्तों जब भी हम कोई भी एसिड के बारे में बात करते हैं, कोई भी एसिड आप ले लीजिए, फ्लोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, तो एसिड में एक वीकनेस होता है, तो वीकनेस बहुत ज़्यादा प्रोनाउंस्ड, बहुत ज़्यादा मार्क्ड होता है। हाइड्रोसाइनिक एसिड में भी हम देखेंगे एक तो वीकनेस वाले सिम्टम रहेंगे, इसके साथ साथ पेशेंट को फियर भी होता है, मन में डर होता है, घबराहट हो रही है, ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, एक बैकग्राउंड में एक फियर है, एक वीकनेस है, एक कमज़ोरी है, कंस्ट्रिक्शन की फीलिंग होना, सांस लेने में दिक्कत होना, एक टाइटनेस की फीलिंग होना, तो ऐसे में हाइड्रोसाइनिक एसिड का प्रयोग किया जा सकता है। 30 पोटेंसी में इस दवा को आप दे सकते हैं। तो दोस्तों गले में अगर आपको एक कंस्ट्रिक्शन का महसूस होता है, गले में एक टाइट फीलिंग होती हो, इसके साथ साथ एक फियर है, मन में एक डर है, एंग्जाइटी है, घबराहट है, और इसके साथ साथ सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो हाइड्रोसाइनिक एसिड का प्रयोग आप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी कुछ मेडिसिंस होम्योपैथी की। इसके अलावा कुछ मदर टिंचर्स भी है, तो मदर टिंचर्स में एस्पिडोस्पर्मा एक मदर टिंचर है, बट अगेन एस्पिडोस्पर्मा हर एक केस में काम करेगी ऐसा नहीं है, ये एक सिम्टम बेस्ड मेडिसिन है। इनफैक्ट होम्योपैथी की सारी दवाइयाँ ही सिम्टम के बेसिस पे दी जाती है, तो एस्पिडोस्पर्मा के बारे में ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया है। एस्पिडोस्पर्मा में ये ध्यान रखना है कि अगर पेशेंट को एग्जर्शन से प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, थोड़ा भी पेशेंट हिला या डुला या थोड़ा सा मूव किया और उसकी सांस लेने में दिक्कत हो रही, ये चीज़ बढ़ गई, तो ऐसे में एस्पिडोस्पर्मा बड़ा ही अच्छा काम करती है। दोस्तों एस्पिडोस्पर्मा जो मेडिसिन है इसमें हम देखते हैं जो सांस लेने में दिक्कत है, डिस्निया है या ब्रेथलेसनेस है, ये एग्रवेट होता है किसी तरह के भी एग्जर्शन से। तो अभी हाल ही में एक पेशेंट से मैं बात कर रही थी, तो उन्होंने ये बताया कि हॉस्पिटल से जैसे वो डिस्चार्ज हुए घर पे आए, और अभी क्योंकि बॉडी में बहुत वीकनेस है तो वो रेस्ट पे ही हैं, बट कभी भी जैसे बेड से उतर के अगर वॉशरूम तक भी जा रहे हैं तो उनका जो है उनको वीकनेस फील होता है, उनकी सांस फूलने लगती है और ऐसा लगता है सांस चढ़ रही है।
तो दोस्तों एग्जर्शन से अगर एकदम आपको लगे डिस्निया हो रहा है, थोड़े से भी एग्जर्शन से, थोड़े मूवमेंट से ही, तो ऐसे में एस्पिडोस्पर्मा बहुत अच्छा काम करती है। तो ऐसे केसेस में हम एस्पिडोस्पर्मा को कंसिडर कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा ब्लाटा मदर टिंचर भी आप लोगों को मदद कर सकती है, बट अगेन सिम्टम के अनुसार हमें दवा देनी है। तो दोस्तों ये थी हमारी होम्योपैथी की कुछ बहुत ही यूजफुल मेडिसिन जो ब्रेथलेसनेस हाइपोक्सिया में काफ़ी मददगार साबित हो सकती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, आपने इसको पसंद किया है। तो वीडियो को ज़रूर ज़रूर शेयर करिए अपने फ्रेंड्स फैमिली सब लोगों के साथ। आप अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करें। एंड अगर आप चाहते हैं मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करना तो आपको क्या करना है, दिए गए नंबर पर आप लोगों को केवल व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज भेजना है, मेरे ऑफिस से आप लोगों को अपॉइंटमेंट की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। आप मेरे वेबसाइट drarpana.com को भी विजिट कर सकते हैं और वहां पे भी अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आप डायरेक्टली फ़ोन पे भी मेरे से बात कर सकते हैं, सारी डिटेल्स आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।